बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड वाकई बहुत मजेदार रहा, जहां पर अजय शर्मा बाकी घर वालों का यहां पर इंटरव्यू लेते हुए नजर आए, उनसे पूछे कुछ तीखे सवाल, तो साथ ही साथ घर में भूत का साया देखने को मिला, घर वालों के बीच में खूब मस्ती मजाक भी देखने को मिला, तो वही भूत के साये में ये घर वाले डरे सहमे हुए नजर आए। तो अगर आज का एपिसोड इस कदर खास और मजेदार रहा है तो चलिए जान लेते हैं आज के इस एपिसोड की हाईलाइट्स। तो रजत शर्मा जो घर वालों का आपके अदालत में यानी कि उनके शो बीबी की अदालत में उनका सवाल जवाब से स्वागत कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने शहनाज गिल से सवाल करते हुए रजत शर्मा कहते हुए नजर आते हैं कि लोगों का मानना है कि इस भोले से चेहरे के पीछे एक शातिर खिलाड़ी छिपी हुई है, शहनाज गेम है या फिर रियलिटी है, आपने अपनी इमेज खुद ही खराब की है ना कि यहाँ मौजूद लोगों ने। जी हाँ यस सॉरी। और इन सब सवालों का जवाब देते हुए शहनाज ने कहा कि शुरुआत के 2 महीनों में मुझे पता ही नहीं था कि गेम क्या है, लेकिन अब अच्छे तरीके से पता है कि गेम क्या है, क्योंकि ठोकर इतनी खाई है कि अब समझ ही आ चुका है कि आखिर यहाँ पर अपना कौन है और पराया कौन है। अब गेम खेलने आए हैं तो चलो मैदान में आ ही जाओ, गेम खेल ही लेते हैं। सिद्धार्थ के साथ ये रियलिटी है, जब सिद्धार्थ साथ हैं तभी तो ये सिद्धार्थ बना है ना, और मैं चाहती हूँ कि आगे कंटिन्यू हो, क्योंकि मेरी अटैचमेंट उसके साथ इतनी खास हो चुकी है। और अपनी इमेज को खराब करने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर मौजूद किसी भी लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सिद्धार्थ जब मुझे कोई चीज बोलता है उस चीज से मुझे फील होता है और उस चीज पर मैं रिएक्ट करती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला का जो इंटरव्यू ले रहे थे रजत शर्मा, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। वो बताते हैं कि आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट मैटर करती है, दूसरों से मजाक करते चलता है लेकिन खुद से मजाक नहीं चलता है। रश्मि देसाई से उनके रिश्ते को लेकर भी बात की जाती है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता कि मेरी रिस्पेक्ट करो, वो हिट ऑफ द मोमेंट होता है। रश्मि देसाई के साथ बात ऐसी है कि पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन एक आर्टिकल आया जिसमें हर वो चीज लिखी गई थी जो मेरे बारे में बुरी थी, बल्कि वो चीज उल्टी थी, वो उनके बारे में थी, और उसके बाद से मेरी इनके साथ रंजिशें होने लगी और मैं अब उनको अच्छा दोस्त नहीं मानता हूँ। और रही बात रिश्ते की, तो इनके रिश्ते तो हर महीने में बदलते हैं और मैं इनके रिश्तों पर यकीन नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि मायरा शर्मा से रजत शर्मा बात करते हुए नजर आते हैं, मायरा से कहते हैं कि आपका तो वजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर मायरा कहती है कि सर इस घर का माहौल ऐसा ही है, यहाँ पर एक चीज को पकड़ ले तो उसे स्ट्रेच करते हुए नजर आते हैं। शुरू से कह रहे हैं कि मायरा पारस के बिना कुछ नहीं है, उस चीज को लेके जा रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दोस्त है और उसको सिर्फ एक दोस्त की तरह मैं सपोर्ट करती हूँ और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रजत उनसे भी सवाल करते हैं कि अगर फाइनल्स में आप दोनों होते हैं तो ट्रॉफी किसे मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर मायरा कहती है कि पारस को ऑब्वियसली, वो मेरा दोस्त है। तो रजत ने कहा तो फिर लोग आपको वोट ही क्यों देंगे, तो मायरा कहती है कि मेरे लिए ट्रॉफी मिलना वो मेरी किस्मत में होगी, लेकिन मेरा ड्रीम है कि टॉप 4 में जाऊं, और वो जो जर्नी दिखाते हैं ना वो मेरे लिए तवज्जो रखता है, वो चीज मेरे लिए मैटर करती है कि मैं अपना वो ड्रीम पूरा करूं और कुछ भी नहीं। इसके अलावा रजत शर्मा आरती सिंह से भी बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप ही बिग बॉस है क्योंकि आप हर जगह प्रकट हो जाती हैं। इस पर आरती कहती है कि हाँ सर ऐसा होता है। इस पर वो कहते हैं कि आपने वो तो सुना ही होगा ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा कुछ नहीं है, इसे बोलते हैं कि फटे में टांग अड़ाना, आप हर किसी के मुद्दे में नजर आती हैं। इसके अलावा वो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर भी बात करते हुए नजर आते हैं कि सिद्धार्थ का नाम आते आप शर्माने लगती है, तो आरती कहती है कि वो है इतना गुड लुकिंग और वैसे भी अगर किस्मत में हुआ उसका मेरे मत्थे पड़ना तो मैं पड़ जाऊंगी उसके मत्थे और वो मेरे मत्थे पड़ जाएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बारे में भी पूछते हुए नजर आते हैं कि दोनों आपके दोस्त हैं लेकिन आप प्रेफरेंस सिद्धार्थ को क्यों देती है, ऐसा क्यों है। इस पर आरती कहती हुई नजर आती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे उसकी बातें लॉजिकल लगती हैं और मैं एक ऐसी इंसान हूँ इस घर में जिसकी सभी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ कोई भी रंजिश नहीं है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर सभी घर वालों का इंटरव्यू लेने के बाद रजत शर्मा चले जाते हैं बेहद ही हंसी खुशी के साथ। इसके बाद रात के वक्त रश्मि देसाई और मायरा शर्मा का प्यार देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दोनों अपनी गिलेश के भुला कर एक दूसरे से मस्ती मजाक करती हुई नजर आती हैं, एक दूसरे पर प्यार उमाड़ती हुई नजर, एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाती हुई दिखती है। तो वही यहाँ पर सिद्धार्थ रश्मि एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं। रश्मि कहती है कि आजकल तुम बड़ा ध्यान देने लगे हो मुझ पे, क्या बात है। तो रश्मि को लेकर सिद्धार्थ कहते हैं कि तुमसे निगाहें हटे तो किसी और पे जाए ना। तो वही मायरा ये भी कहती हुई नजर आती है कि आज तो आप दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पर रश्मि कहती है कि मैचिंग कर रहा है यार सिद्धार्थ, क्या बात है। तो सिद्धार्थ कहते हैं हम दोनों ने साथ में तो डिसाइड किया था। तो यहाँ पर मायरा ये भी कहती हुई नजर आती है कि सिद्धार्थ इतने फनी है तो आपने इनसे झगड़ा क्यों किया। तो रश्मि ने कहा कि पसंद तो मुझे भी है लेकिन ये इतना ज्यादा हो जाता ना कि आई कांट टेक दैट। इसके अलावा यहाँ पर घर वाले अमावस्या को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं कि आज कुछ बुरा हो सकता है क्योंकि काले कौवे देखे हैं, अजीब गरीब आवाजें आ रही है। तो वही यहाँ पर सब अपनी अपनी बातें कहते हुए नजर आते हैं। घर वाले सो जाते हैं लेकिन अचानक ही घर वालों को अजीब गरीब आवाजें आने लगती है, घर की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है, घर में डोल्स दिखाई देती हैं, अजीबोगरीब आवाजें नजर आती है, तो वही बिना मुंडी का शरीर दिखाई देता है। तो वही जब शहनाज उन्हें दिखाती है बाकी घर वालों को तो वो बिना मुंडी वाला शरीर वही गिर जाता है। और इस तरीके से घर वालों को इतना सारा डराने के बाद एंट्री होती है विकी कौशल की। विकी कौशल अपनी फिल्म भूत के बारे में घर वालों को बताते हैं कि आखिर उनकी फिल्म है किस बारे में। इसके बाद विकी कौशल साथ ही ये भी अनाउंस करते हैं कि वो यहाँ पर आए तो अकेले हैं लेकिन जाएंगे यहाँ से किसी एक सदस्य को लेकर अपने साथ। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए 137 की हाइलाइट्स। और इसी तरीके से बिग बॉस के हर एक टेढ़े एपिसोड की हाइलाइट्स और सभी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।